अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। प्रस्तुत लेख निदा फाजली जी ने लिखा है। निदा फाजली एक प्रसिद्ध शायर हैं। वे ऐसे इंसान हैं जिनके शब्द ही उनकी पहचान है। निदा फाजली का जिक्र करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से आपको परिचित करवाना चाहूंगी। निदा फाजली अपनी एक शायरी में लिखते हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं। जिस्म से रूह तलक अपने कई आलम हैं, जिस्म से रूह तलक अपने कई आलम हैं, कभी धरती के कभी चांद नगर के हम हैं। निदा फाजली अंत में कहते हैं, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। जब आप निदा फाजली को पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि वे असल में आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो आइए इस लेख की रूपरेखा के बारे में बात करते हैं। लेख जहां वह कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पर बात करते हैं। निदा फाजली ने मानव के संवेदनहीन होने का संकेत दिया है। लेख में विभिन्न प्रसंगों के आधार पर निदा फाजली ने यह स्पष्ट किया है कि सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। स्वार्थी प्रवृत्ति ने मानव को इतना अधिक लालची बना दिया है कि उसने अन्य जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही कर दिया है। अब यह मानव जाति की भी परवाह नहीं करता, दूसरों के सुख दुख से उसे कोई सरोकार नहीं है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। लेख की शुरुआत होती है बाइबल के सोलोमन से। ईसा के 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से बोली, आप जल्दी से अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। सुनो, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। यह कहकर वह मंजिल की ओर बढ़ गए। निदा फाजली दूसरी कहानी में कहते हैं, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे, तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक चोटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ गए। जब मां ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। यह संवेदनशीलता शेख
अयाज में देखने को मिलती है। सोचने की बात यह है कि क्या इस तरह की संवेदनशीलता हम अपने आसपास के लोगों में पाते हैं? क्या हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो दूसरों को तकलीफ देने में विश्वास नहीं करते? सोचिएगा जरूर। अगली कहानी नूह नामक पैगंबर से जुड़ी हुई है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे दुत्कार दिया। दुत्कार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। ना ही मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। सबको बनाने वाला ईश्वर ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो बहुत दिनों तक रोते रहे। महाभारत में अंत तक युधिष्ठिर का साथ देने वाला भी एक कुत्ता ही था। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से मिलता है, परंतु यह सब जानते हैं कि पशु पक्षी मानव नदी पर्वत पहाड़ समंदर आदि सभी का इस धरती पर समान अधिकार है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परंतु अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या ने समंदर को समेट दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया जाता है, फैलते प्रदूषण ने पक्षियों की बस्तियों से भगा दिया है तथा वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। प्रकृति के धैर्य की भी एक सीमा है। इसी कारण कभी कभी प्रकृति भी आपदाओं के रूप में अपना बदला लेने आती रहती है। आप और हम अभी एक आपदा से जूझ रहे हैं। यह आपदा मानव निर्मित है या प्राकृतिक, लेकिन इसका असर संपूर्ण रूप से हमारे जीवन पे पड़ा है। लेखक निदा फाजली की मां द्वारा दी गई सीख व ग्वालियर की एक घटना। निदा फाजली की मां सदैव उनसे कहती थीं कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहब्बत के अजीज हैं, मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देकर सबको जगाता है। ग्वालियर में लेखक का मकान था, जिसके एक रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उसमें रखे अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। यह देखकर मां दूसरे अंडों को बचाने का प्रयास करने लगी। तभी मां के हाथ से वह अंडा भी गिरकर टूट गया। इस घटना से मां बहुत दुखी हुई और इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए पूरा दिन रोजा रखा। रोजा व्रत रखने के लिए कहा जाता है। सोचिए, क्या हम किसी को तकलीफ पहुंचाते समय या दुख पहुंचाते समय यह महसूस कर पाते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में हमारे जैसा दिल है? यहां निदा फाजली सभी जीवों में आत्मा को देखने की बात कर रहे हैं। इस लेख में आपको बदलते हुए माहौल का जिक्र मिलेगा। आप पाएंगे कि वाकई आज सब कुछ बदल गया है। यह बात नए युवा पाठकों को और श्रोताओं को महसूस नहीं होगी। उन्हें इस बदलाव को महसूस करने के लिए भी अपने घर के उन सदस्यों से बातचीत करनी होगी जो
उनसे पहले इस धरती पर आए हैं। पहले जहां समंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, वहां अब बस्तियां बन गई हैं। इन बस्तियों ने अनगिनत परिंदों के घर छीन लिए हैं, घरों में प्रवेश करने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब न कोई सोलोमन है, न नूह, और न ही मेरी माँ है जो इन जीवों के दुख दर्द को समझकर उसे अपना दर्द बना सके। यह लेख अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले आपको एक और मौका देता है कि आप सोचिए, समझिए और उस रास्ते पर चलिए, जिस रास्ते पर चलने के बाद आप जब थोड़ी देर के लिए आराम से बैठते हैं तो आप पाते हैं कि चाहे आप नूह नहीं हैं, चाहे आप पैगंबर नहीं हैं, चाहे आप बाइबल के सोलोमन नहीं हैं, लेकिन आप एक सच्चे, ईमानदार और विश्वासपात्र इंसान हैं जिस पर कोई भी जीव यकीन रख सकता है। लेख के अंत में कहा गया है, मट्टी से मट्टी मिले, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान। किसमें कितना कौन है, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से आखिर निदा फाजली कहना क्या चाहते हैं आपको? वे इन पंक्तियों से संसार की एक एकात्मकता को प्रकाशित करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान है जो इस धरती पर जन्म लेकर अंततः इसी में मिल जाते हैं। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के हिस्से या किसी के पृथक अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। निदा फाजली ने दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोगों को ही मनुष्य माना है। उनका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए तथा उन्हें एक ही ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर पड़ता प्रभाव लेखक को प्रभावित करता है, परेशान करता है और बार बार याद दिलाता है कि प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। इसलिए आइए मिलकर संपूर्ण संसार के प्रत्येक जीव के प्रति अपने कर्तव्य को पहले तो जानें, फिर समझें और फिर जीवन में उतारने का प्रयास करें। कठिन कार्य सदा कठिन नहीं हुआ करते। अंत में निदा फाजली के एक प्रसिद्ध शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हर एक में होते हैं 10-20 आदमी, हर एक में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आभार।